أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान के साथ तजवीद के इस सफ़र में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा अम्मा पारा शुरू हो गया है, और कल भी हमने इसकी 5 आयतें तजवीद के साथ सीखी थीं, और आज भी हम उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह हम 3 आयात और पढ़ेंगे। तो जिन लोगों के पास अपनी मुसहफ है, अपना कुरान है, वो उसको सामने रखें, और जिन लोगों के पास नहीं है फिर वो स्क्रीन पर देखें। और स्क्रीन पर आपके सामने ये रूल्स इस तरह से हैं, यानी कलर कोडेड जो आपके सामने ये कुरान है उसमें जो रूल्स हैं वो इस तरह से आपको गिवन है, यानी ऑरेंज है तो फिर वो गुन्ना है, और ब्राउन है तो वो कलकला है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कल हमने आपको 5 आयात पढ़ाई थी, थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करूंगी ताकि आप लोगों के जहन नशीन हो जाएं, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तवज्जो के साथ आप सुनेंगी इंशाल्लाह, और उसको रिपीट भी करेंगी। जिस तरह से मैं करूंगी उसी तरीके से आप उसको रिपीट करती जाएंगी, और जिस तरह से मैं रूल्स समझाऊंगी तो रूल्स पे भी आप तवज्जो देंगी, ठीक है ना जी। तो स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा मैं पूरा आपको पढ़ के बता रही हूँ, आयत नंबर 1 से लेकर और आयत नंबर 8 तक, ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا। यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। तो जो लोग, बहुत से लोग ऐसे थे ना कि जिन्होंने कल बिल्कुल फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, तो उनके लिए भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, और जिन लोगों ने पढ़ लिया था और जो लोग पहले से ज्वाइन हैं तो उनका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। इसको मैं इसलिए रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले है अम्मा, और मखारिज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइन का मखरज आपको मालूम है, हलक का दरमियानी हिस्सा, अम्मा, और मीम पर जब शदा जाती है तो वहां पर गुन्ना होता है। गुन्ना यानी नाक में आवाज लेकर जाएंगे और एक अलिफ के बराबर ठहरेंगे, अम्मा। अच्छा, इस पर आप तवज्जो दीजिए कि जब हम गुन्ना करेंगे तो इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो अगर आप बिल्कुल सिंपल पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरह से पढ़ेंगे, आइन मीम जबर अम मीम जबर मा। बिल्कुल मेरी आवाज पर तवज्जो दीजिएगा, अम्मा, ठीक है ना, अम्मा। लेकिन अगर आप इसको और खूबसूरत करके पढ़ना चाहते हैं, अपने किरत को संवारना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी आवाज पर थोड़ा सा तवज्जो देंगे। उसको किस तरह से बैलेंस करना है, जैसे एक अगर हम इस तरह से पढ़े अम्मा, और दूसरी तरह तरीके से अगर हम इस तरह पढ़े अम्मा, आवाज में हल्का सा आपने चेंज महसूस किया, अम्मा और अम्मा, इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं, अपनी किरत को संवारना चाहते हैं, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए। आगे है यतसअलून, सिंपल अगर आप पढ़ देंगी यतसअलून, यानी खींचते वक्त आपकी आवाज में जो एक लहर बनी ना, उससे खूबसूरती आती है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल पढ़ रही हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको और संवारना चाहती हैं, अपने किरत को अच्छा करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
उसके लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी ग्रुप पर। आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद, 53 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर ज्वाइंट हैं, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि एक दफा वो वीडियो आप जरूर देख लें यूट्यूब पर, ठीक है। मैं लिंक उसका इंशाल्लाह ग्रुप पर सेंड करूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसमें जो है ना ये टिप्स बताए गए हैं थोड़े से कि किस तरह से हम अपनी आवाज में एक लहर सी जो पैदा होती है ना, वो किस तरह से उसको हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर है आयत नंबर 1 में, यतसअलून, या जबर या ताजबरता, या का मतलब मखरज आपको मालूम है जुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालू, या ता का मखरज आपको मालूम है जुबान की नोक और सनायाउलिया की जड़, यता दोनों को बारीक पढ़ना है। आगे है सीन अलिफ मत जबर सा, सीन का मखरज आपको मालूम है जुबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा। अगर आपने अभी तक मखरज नहीं सीखे हैं तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप पहले मखारिज को सीखें, ठीक है, क्योंकि वो बेस है, वो बुनियाद है अरबी की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और कल हमने आपको बताया था कि यहाँ पर मद है और मद की 3 किस्में हमने आपको बताई थी। यहाँ पर कौन सी है? मद मुत्तसिल, क्योंकि मद के बाद हमजा इसी कलमे में है, इसी वर्ड में है, ठीक है। इसकी मकदार कितनी है? तकरीबन 4 अलिफ के बराबर इसको आपने खींचना है। यतसअलून, हमजा जबर अ, यतसअ, लाम वाव पेश लू, वाव मद्दा है यहाँ पर, थोड़ा सा खींचेंगे, नून जबर ना आगे आयत है इसलिए हम नून को साकिन कर देंगे। यतसअलून अम्मा यतसअलून। आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 2 देखिए, आयन जबर आ, आयन का मखरज आपको बताया हलक का दरमियानी हिस्सा, बीच वाला। आगे है नून को हम नून से मिलाएंगे और जेर की हरकत के साथ मिलाएंगे। फिर आगे जो नून है उसमें आप देख रही हैं कि शद है, यानी जब नून पर तशदीद आ जाती है वहां पर क्या होता है? गुन्ना, ठीक है। जिस तरह मीम पर शद आ जाए वहां पर गुन्ना होता है, इसी तरीके से जब नून पर भी तशदीद आ जाती है वहां पर गुन्ना होता है। आनिन नून जबर ना आनिन। अब देखिए अगर सिंपल से आप मिलाएंगी नून को नून से इस तरह से आनिन आनिन, लेकिन अगर आप खूबसूरती के साथ इसको मिलाना चाहती हैं तो फिर आवाज में थोड़ी आपको लहर पैदा करनी पड़ेगी। आनिन आनिन, नून जबर ना बा जबर बा न बा हमजा जेर ई। अब यहाँ पर हम हमजा को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हमजा को हम लाम के साथ मिलाएंगे, हमजा लाम जेर इल। देखिए या मद्दा है, ठीक है ना, अजी जैसे वाव मद्दा को थोड़ा सा खींचते हैं, इसी तरीके से या मद्दा को भी थोड़ा सा खींचा जाएगा। मीम जेर मी है, अगर आप ठहरना चाहती हैं तो फिर हम मीम को साकिन कर देंगे। इस तरह से आगे देखिए आयत नंबर 3, अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, अल्लज़ी। अब यहाँ पर अगर आप मिलाकर पढ़ेंगी अज़ीम अल्लज़ी, लेकिन अगर आप अजीम कह के ठहर जाएंगी तो फिर आपको हमजा को हरकत देनी होगी जबर की। हमजा को जबर की हरकत दे के आप लाम से मिलाएंगी, हमजा लाम जबर अल लाम जबर ला अल्ला। जहां पर शद होता है वहां पर तशदीद को जमा कर पढ़ते हैं और 2 मरतबा पढ़ते हैं। अल्ला जालिया जिर जी अल्लजी अल्लजी। आगे है हुम फी ही, हामिम पेश हुम, आगे है फाया जिर फी हाजिर ही फी ही अल्लज़ी हुम फीही। अच्छा हुम फीही में आप देख रही हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मीम साकिन का कायदा यहाँ पर है। तो मीम साकिन के आपने 3 कायदे पढ़े थे, एक पढ़ा था आपने इजहार, एक पढ़ा था आपने इख्फा, और एक और पढ़ा था आपने इदगाम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मीम साकिन का इजहार, यहाँ पर इख्फा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इजहार, बिल्कुल साफ करके पढ़ेंगे मीम की आवाज को। हुम फीही अल्लज़ी हुम फीही। अच्छा इसमें ख्याल रखिएगा कि हा को बिल्कुल नहीं खींचना है, सिर्फ फा को खींचना है, क्योंकि फा में या मद्दा जुड़ी हुई है। आगे हा जो है वो जेर की हरकत के साथ है और जेर की हरकत को जल्दी से पढ़ते हैं। फीही फीही ऐसे खींच देंगे तो गलत हो जाएगा। अल्लज़ी हुम फीही अल्लज़ी हुम फीही। आगे है मुख्तलिफून, मीम खौ पेश मुख, मीम
बारीक, ख जो है वो मोटी पड़ी जाएगी। मीम ख पेश मुख, मीम का मखरज दोनों होठों की खुश्की वाला हिस्सा, और ख का मखरज हलक का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो मुंह की तरफ खुलता है ना हमारा, वहां से मुख ताजबर ता मुख ता लाम जेर ली, लाम को जेर है इसलिए बारीक करके पढ़ेंगे, मुख्तली फा वाओ पेश फू, मुख्तलिफू नुमन जबर ना, मुख्तलिफूना मुख्तलिफूना, और आगे हम अगर ठहरेंगे तो नून को साकिन कर देंगे, मुख्तलिफून अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कल्ला सयअलमून, काफ लाम जबर कल्ला मलिफ जबर ला कल्ला कल्ला, आगे है सयअलमूना, सीन जबर सा या को आयन के साथ मिलाना है और आयन का मखरज याद रखिएगा, ठीक है, या आयन जबर या सीन का मखरज सनाया सुफला का किनारा, ठीक है ना, याद रखिए, सयअलम जबर लाम यम वाओ पेशमु सयअलमू नून जबर ना सयअलमूना, आगे आयत है इसलिए साकिन कर देंगे, सयअलमून कल्ला सयअलमून। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि लाम अलिफ जबर ला है तो आप लाम जबर ला मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं माजरत चाहती हूँ, थोड़ा सा ये बीच में ना डिस्कनेक्ट हो जाता है जी। तो हमने पढ़ रहा था आयत नंबर 4 तक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे है आयत नंबर 5, सुम्मा कल्ला सयअलमून, देखिए सुम्मा सा का मखरज आपको मालूम है जी, सा का मखरज आपको मालूम है जुबान की नोक और सनाया सनाया उलिया का किनारा, ठीक है। अब आप देख रही हैं कि आगे है मीम, मीम पर क्या है शद, और इससे पहले जैसे हमने अम उसमें पढ़ा उसमें भी क्या हो रहा था गुन्ना, इसी तरीके से सुम यहाँ पर भी क्या होगा गुन्ना होगा, ठीक है। आगे है कल्ला, इस तरीके से ऊपर आपने पढ़ा कल्ला सयअलमून, सेम वैसे ही यहाँ पर है कल्ला सयअलमून, ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा कल तक का सबक था जिसको मैंने रिपीट कर दिया, आगे है हमारी आयत नंबर 6, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا, हमजा जबर आ लाम मीम जबर लम, अलम हमजा को झटके से पढ़ते हैं, हमजा मैं यहाँ क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि अलिफ पर जब कोई भी हरकत आ जाती है जबर जेर पेश इसके अलावा भी कोई हरकत तो अब हम उसे क्या पढ़ते हैं हमजा पढ़ते हैं, ठीक है, हमजा हमजा जबर अ लाम मीम जबर लम अलम, आगे है नज अलिल, नून को हम जीम से मिलाएंगे, नून जीम जबर नज आइन जबर आ नज आ, अब यहाँ पर आप देख रही है कि जीम है और जीम पर क्या है जज्म, तो ये क्या है हुरूफ कलकला है ना, आपको हमने बताए थे हुरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ़ ता बा जीम दाल, और उसमें कंडीशन क्या थी कि जब इन हुरूफ पर इन 5 हुरूफ पर जब जज्म आ जाए तब वहां पर क्या होता है आवाज बंद नहीं होती, आवाज लौट कर आती है, इसे क्या कहते हैं कलकला, ठीक है। तो यहाँ पर कलकला होगा अलम नज नज ऐन ज़बर नज लाम लाम ज़ेर लिल नज अलिल नज अलिल, हमजा को रॉ से मिलाएंगे, हमजा रॉ जबर रॉ जो है साकिन है और उससे पहले हमजा पर क्या है जबर, इसलिए रॉ को मोटा पढ़ेंगे पुर पढ़ेंगे, ठीक है। अरो बहुत जबर अरो बहुत भी जो है वो हुरूफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ा जाता है इसलिए इसको भी हम पुर पढ़ेंगे, अरो अलम नजअल अर्ض अलम नजअल अर्ض मिहादा, मीम ज़ेर मी हा खड़ा जबर हा मी हा, यहाँ पर जो हा है इसका मखरज क्या होगा हलक का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो सीने की तरफ होता है, ठीक है, मी हा खड़ा जबर है इसलिए खींच कर पढ़ेंगे, मी हा डाल दो जबर दन, यहाँ पर अगर आप ठहरेंगी तो फिर क्या हमने रूल बताया था आपको कि दो जबर होते हैं तो हम एक जबर पढ़ देते हैं, ठीक है, अगर आगे आयत हो दो जबर हो तो एक जबर पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से पढ़ेंगे मिहादा
ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا مهادا. لیکن اگر آپ ملا کے پڑھیں گی تو کیا پڑھیں گی؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا دوں. اگر آپ دال کو واو کے ساتھ ملائیں گی تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام. ٹھیک ہے, یعنی تنوین کے بعد اگر واو آ جائے, جو آپ یاد کریے ہم نے آپ کو کیا پڑھائے تھے, حروف یرملون. یرملون کا آپ کو ایک کلیکشن دیا تھا ہم نے, جس میں 6 حروف آ رہے تھے آپ کے, یا را میم لام واو نون. ٹھیک ہے, ان 5 حروف پر کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. اگر آپ نے ادغام نہیں سیکھا ہے تو آپ اس کو سیکھیے پہلے. تو ہم دال کو جب واؤ سے ملائیں گے تو پھر ہلکا سا غنے کے ساتھ پڑھیں گے اور تھوڑا سا ٹھہریں گے بھی وہاں پہ, نہادا والجبال اوتادا. ٹھیک ہے, اس طرح سے. اور اگر آپ آیت پر ٹھہریں گی تو کیسے پڑھیں گی؟ نہادا الم نجعل الارض مہادا. آگے بڑھتے ہیں, آیت نمبر 7, والجبال اوتادا والجبال. ٹھیک ہے, والجبال واو لام زبر ول جیم زیر جی ول جی با الف زبر با. با میں آپ دیکھ رہے ہیں الف مدہ ہے, الف جڑا ہوا ہے, اس لیے ایک الف کے برابر با کو کھینچیں گے. والجبال لام زبر لا والجبال 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 اوتادا حمزہ واو زبر او. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ واو ساکن ہے, لیکن واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے. تو یہ کیا ہے؟ واو مدہ نہیں ہے, واو لین ہے. ٹھیک ہے, اس کو جلدی سے پڑھتے ہیں, اس کو کھینچتے نہیں ہیں, او ایسے کھینچیں گے نہیں, جلدی سے پڑھیں گے او او. تالیف زبر تا اوتا. تا میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ الف مدہ ہے, ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے. اوتا دال دو زبر. اچھا یہاں پر بھی دیکھیے وہی رول ہے جیسے مہادا میں میں نے آپ کو بتایا, اسی طریقے سے اوتا دا. اگر آپ ٹھہریں گی تو کیا پڑھیں گی؟ ایک زبر پڑھیں گی. والجبال اوتا دا والجبال اوتا دا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں گی آگے والی آیت کے ساتھ تو کس طرح سے پڑھیں گی؟ والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. دال کو ہم واو سے ملائیں گے اور جس طرح سے مہادا یہاں پر ادغام ہو رہا تھا, اسی طریقے سے أوتادا یہاں پر بھی ادغام ہوگا. ٹھیک ہے, تو آگے دیکھیے ہم یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں. والجبال أوتادا. آگے بڑھتے ہیں. وَخَلَقْنَاكُمْ واو زبر وا خو زبر خو و خو. خو جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے. آگے ہے لام قاف زبر لق. جس طرح سے ہم نے اوپر آپ کو بتایا الم نج, نج میں آپ دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر قلقلہ ہو رہا تھا, اسی طریقے سے کیا ہے یہاں پر؟ قاف. قاف پر جزم ہے, یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. قاف تو با جیم دال قطب جدین اس کا کلیکشن ہے. ٹھیک ہے, خلق یہاں پر قلقلہ ہوگا. وخلق وخلق دیکھ رہی ہے آپ, سن لیے جب میں پڑھ رہی ہوں تو آواز جو ہے وہ لوٹ کر آ رہی ہے قاف کی, ایسا نہیں کہ آواز بند ہو رہی ہے. وخلق ایسا نہیں ہے بلکہ وخلق وخلق. نون کھڑا زبر نا. وخلقنا کاف میم پیش کم. وخلقناکم وخلقناکم. نون کی نون کو تھوڑا سا ہمیں کھینچنا ہوگا کیونکہ کھڑی حرکت ہے. وخلقناکم. آگے ہے ازواجا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں وخلقناکم کاف میم پیش کم. میم ساکن ہے اور اس کے آگے کیا ہے؟ حمزہ. تو یہاں پر کیا ہے؟ میم ساکن کا اظہار ہو رہا ہے. یہاں پر اخفا نہیں ہوگا, ادغام نہیں ہوگا, اظہار ہوگا. ازواجا حمزہ زا زبر از. زا کا مخرج آپ کو معلوم ہے, جو سین کا مخرج ہے وہی زا کا مخرج ہے. زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ, اور اس کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں, جبکہ زال جو ہے زال اس کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا, لیکن زا اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں. از از. اگر یہاں پر زال ہوتا تو کس طرح سے پڑھتے؟ از از. اور زا ہے تو سختی کے ساتھ از از. واو الف زبر ہوا, واو کے ساتھ الف مدہ ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے. از و جیم دو زبر جن ہے. تو یہاں پر کیا ہے, ہم جیم جب دو زبر ہوتے ہیں اگر ہمیں آیت پر ٹھہرنا ہو تو ہم کیا کر دیتے ہیں؟
एक जबर के साथ ठहर जाते हैं, जैसे मिहादा में हमने किया, औतादा में किया, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अज़वाजा। وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا। तो आज के लिए इतना ही, अगर इतना सबक जो हमने आपको पढ़ाया है, अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप लोग मालूम कर लीजिए, और उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो आज हम इतना ही सीखेंगे, और एक दफ़ा हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो तर्जुमे की तरफ हम चलते हैं, इसको आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कल हमने आयत नंबर 5 तक पढ़ा दिया था, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। अम्मा किस चीज के बारे में, यतसा अलून वो आपसे सवाल करते हैं। अम्मा यतसा अलून किस चीज के बारे में वो आपसे सवाल कर रहे हैं। अनिन नबा इल अजीम, अन से, अन नबा खबर या कोई वाकया, कोई इस तरह से बहुत से मीनिंग हो सकते हैं, यहाँ आप खबर के मतलब में ले लीजिए। अल अजीम जो बहुत बड़ी है, एक बड़ी खबर के बारे में। अनिन नबा इल अजीम आगे है, अल्लजी वो जो हम वो सब, फी ही उसमें, मुख्तलिफून इख्तलाफ करने वाले हैं। अब उस खबर की वजाहत की जा रही है यहाँ पे कि वो खबर कौन सी है, अल्लजी हम फी ही मुख्तलिफून, जिसमें ये सब क्या है, इख्तलाफ करते हैं। अब आगे अल्लाह ताला बता रहा है, कल्ला सयालमून हरगिज नहीं ये जल्दी ही जान लेंगे, सुम्मा कल्ला सयालमून फिर हरगिज नहीं जल्दी ही वो जान लेंगे, जल्दी ही उनको मालूम हो जाएगा। अब आगे अल्लाह ताला कुछ दलाइल दे रहा है अपने, और जिस जमीन पर हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, और जो हमारे सामने कुछ चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो कितनी खास हैं, अल्लाह ताला उनकी तरफ इशारा करके कह रहा है कि आप जरा इन चीजों को देखिए, इन चीजों पर गौर करिए। बहुत डीपली मैं नहीं जा रही हूँ, बस मुख्तसर सा मैं आपको बताऊंगी। अलम क्या नहीं, नजअलिल हमने बनाया, अल अरबो जमीन को, मिहादा गोद या बिछोना आप कह सकती हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है, क्या उन्होंने नहीं देखा, क्या नहीं देखा कि हमने क्या करा, जमीन को उनके लिए बिछोना बना दिया, उनके लिए गोद बना दिया, उनके लिए जमीन को हमने बिस्तर बना दिया। वल जिबाला और पहाड़ों को, अवतादा मेखे, मेखे यानी कीले जो होती है ना जिनको हम ठोकते हैं, तो वो चीज है। और पहाड़ों को क्या बना दिया हमने, मेखे। वखलकनाकुम और हमने तुम्हें पैदा किया, अजवाजा जोड़ों की शक्ल में, जोड़ा जोड़ा, अजवाज कहते हैं जोड़े को। वखलकनाकुम अजवाजा और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया। तो अगर आप लोग इसको और डीपली समझना चाहें तो आप तशरीह वगैरह इसकी पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा, यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पर हमने आज आयत नंबर 8 तक सीखा, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अगर हमसे इसमें समझाने में या समझने में कोई गलती हो गई है तो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका।